हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि प्राप्य क्लोरीन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि जब जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि जो ब्रंजक चूर्ण होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये हमारा ब्रंजक चूर्ण होता है, ब्रंजक चूर्ण, या फिर इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है जब ये ब्रंजक चूर्ण HCl से, किससे, HCl से क्रिया करता है, तो दोस्तों ये जो ब्रंजक चूर्ण है ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है। कौन सी मुक्त करता है? क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तो इस प्रकार की क्रिया में जो क्लोरीन गैस मुक्त होती है वही क्लोरीन गैस हमारी कहलाती है प्राप्य क्लोरीन। जैसे मान के चलो ये ब्रंजक चूर्ण जब HCl से क्रिया करेगा तो हम इसके दो अणु लेते हैं। कितने अणु? दो अणु। तो यहां से क्या होता है दोस्तों, ये इसके दो अणु लेते हैं तो यहां पर हमारे कितने Cl बनते हैं? दो Cl, दो Cl बन जाते हैं। तो ये दो Cl इस Ca के साथ क्रिया करके बना लेते हैं CaCl2, और ये दो H बनते हैं तो ये दो H इस O के साथ क्रिया करके बना देते हैं H2O। अब हमारे पास केवल बचा है Cl2, तो ये जो Cl2 बचा है ये Cl2 बाहर निकल जाता है, और यही Cl2 हमारा कहलाता है प्राप्य क्लोरीन। कौन सा क्लोरीन? प्राप्य क्लोरीन। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, ब्रंजक चूर्ण HCl से क्रिया करके क्लोरीन गैस को मुक्त करता है, और इस प्रकार से मुक्त हुई क्लोरीन गैस ही हमारी कहलाती है प्राप्य क्लोरीन। या ऐसी एक तो इसको हम प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोस्तों जो ब्रंजक चूर्ण होता है ये ब्रंजक चूर्ण CO2 से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? CO2 से क्रिया करता है, और CO2 से क्रिया करता है तो ये CO2 यहाँ पर आके जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हमारा CA, और यहाँ पर आके जुड़ेगा तो CO2 और O क्या हो जाएगा? CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और इसमें भी क्लोरीन गैस दोस्तों मुक्त होती है। तो इस प्रकार से भी जो क्लोरीन गैस मुक्त होती है उसे भी हम बोलते हैं प्राप्य क्लोरीन। तो सीधी सी बात आपको क्या याद रखना है उसको समझिए, क्या ब्रंजक चूर्ण HCl या CO2 से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। इस प्रकार मुक्त हुई क्लोरीन गैस को प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। तो ये दोस्तों प्राप्य क्लोरीन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।